नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के चलते देश भर में भारतीय छात्रों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। ये चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां रेवाड़ी में लौटे छात्र आशीष ने बताया कि वहां गोरे काले रंग का भेदभाव करते हुए बॉर्डर क्रॉस करने में पक्षपात किया जा रहा है। दूसरी ओर कुरुक्षेत्र से लौटी मुस्कान ने बताया कि ये चार दिन का सफर जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर था। वहीं तो शाम में लौटे चिराग मेहता ने बताया कि कंपनियों ने टिकट के दाम $1,000 तक बढ़ा दिए, जिससे भारतीयों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो साथ ही जीन में अर्बन स्टेट के निवासी तरुण ने बताया कि जब तक कीव में रहे हर पल संकट में गुजरा, रात हमेशा बंकर में ही गुजरी। तो ये चार तस्वीरें आप देख रहे हैं, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, तोशाम और जीन, जहां पर यूक्रेन से अपने देश भारत लौटे स्टूडेंट्स ने आप बीती बताई बताया कि कितना मुश्किलों भरा ये सफर रहा। यूक्रेन में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। इस बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसने दावा किया है कि उसने रूस के एक जंगी जहाज को मार गिराया। यूक्रेन ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से एक मिसाइल एक जंगी जहाज को मार गिराती है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यूक्रेन में हालात और गंभीर होते नजर आ रहे हैं। एक वीडियो यूक्रेन ने जारी किया है। वीडियो में यूक्रेन ने दावा किया है रूस के जंगी जहाज को गिराया गया। वहीं यूक्रेन से लौटे नारायणगढ़ और अंबाला के 6 बच्चों ने नारायणगढ़ में सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान छात्रों के परिजन भी उनके साथ मौजूद रहे। बातचीत के दौरान अभिभावकों ने कहा कि यूक्रेन से आने में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रशासन ने उनकी बहुत मदद की, जिसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में फंसे हरियाणा के निवासियों और छात्रों की सहायता के लिए प्रदेश सरकार ने भी दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क स्थापित किए हुए हैं। साथ ही स्टेट लेवल पर नोडल अफसर लगाकर और कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिला उपायुक्तों को भी इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि वो ऐसे परिवारों के संपर्क में रहें जिनके बच्चे यूक्रेन गए हुए हैं। यूक्रेन से भारत अपने वतन लौटे छात्रों ने सीएम मनोहर लाल से बातचीत की। साथ ही छात्रों के अभिभावक भी सीएम मनोहर लाल से मिले और उन्होंने देश और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल नारायणगढ़ के अंबेडकर भवन पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मेले का अवलोकन और निरीक्षण करने के बाद लोगों को संबोधित किया। सीएम ने इस दौरान मुख्यमंत्री स्तोद्यमी सारथी योजना शुरू करने की घोषणा की। साथ ही सीएम ने कहा, अब लोग सरकार के पास नहीं जाते बल्कि सीएम कार्यालय लोगों के पास पहुंच रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों की सुविधा के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। इससे ये प्रक्रिया और ज्यादा आसान हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रक्रिया की विषमताओं को देखते हुए इस प्रक्रिया को आम जनता के लिए सरल बनाया गया है। अब आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थी आवेदक सरल
पोर्टल के माध्यम से सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब आवेदक अपनी पीपीपी आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल आदि जैसे अन्य संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन वो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अत्योदय परिवार उत्थान मेले के आयोजन में सीएम मनोहर लाल करनाल के घरौंडा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से कहा कि प्रदेश का हर नागरिक सरकार की योजनाओं का लाभ उठाए। साथ ही उन्होंने कहा कि निम्न वर्ग के लोगों के लिए हरियाणा सरकार कम ब्याज दरें पर ऋण उपलब्ध करवा रही है और इन योजनाओं के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपना स्वरोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सकता है। ये मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत ही कंसर्न है और संवेदनशील है। जैसा कि आज सीएम साहब ने बताया कि मुख्यमंत्री बनने से पहले संगठन में भी उनके जिम्मे पूरे देश भर का अंत्योदय प्रकोष्ठ की जिम्मेवारी थी। अंतिम व्यक्ति का उदय, जो यहाँ बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं उनका रोजगार बने, कम से कम 15,000 रुपये मासिक वो कमा पाए, उसको लेकर ये कल्पना लेकर ये मेलों का शुरुआत की। 1,060 परिवारों को आज निमंत्रण दिया गया है। अभी तक 400 से ऊपर लोग आ चुके हैं। उनको टाइम दिया जाता है, नहीं तो सारे एक समय आ जाएंगे, जरूर जाएंगे। इसलिए टाइम लेकर के शाम के 5 बजे तक सबको बुलाया है, 6 बजे तक मेला चलेगा। तो हम चाहते हैं कि जो कोई काम करना चाहता है उसको जिस चीज की जरूरत है उसको ट्रेनिंग की जरूरत है ट्रेनिंग लेंगे, उसको पैसे की जरूरत है तो लोन देंगे, कुछ स्कीमों में सब्सिडी भी है वो सब्सिडी फ्री मिलेगी, कुछ लोन पर हमने ब्याज मुक्त किया, ब्याज का जो है हम लेंगे ताकि उसको सुविधा हो जाए। ये फायदा है कि यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जी, इसमें कम परसेंटेज ब्याज पे हमारे को लोन दिया जा रहा है, हम आगे अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं, कोई अपना काम धंधा कर सकते हैं जी। वैसे पढ़ाई लिखाई पे हमारे को कोई रोजगार नहीं मिल रहा सरकार की तरफ से, वैसे हमें मंत्री जी को बहुत अच्छा प्रोसेस दिया, ये भी हम कम परसेंटेज पे ब्याज पे हमारे को लोन दिया जा रहा है कि हम अपना काम कर सके, बस इतना कहना चाह रहे हैं। तो फायदा है जी, सरकार की यह नीति है जी भी सबको रोजगार मिले, सबको कोई ओनर रहे आगे, सब ये लगे जी कोई रोजगार 50,000 का लाख का जी, इसके लिए कर रहे जी सब, कोई भी सरकार के ऊपर तो पूरे में भंडार खुले जी। फायदे इसमें जी इन कह रहे भाई कुछ ही 30-40% तो छूट ही छूट है, और गरीब आदमी भाई इसमें नाम बहत्तर थोड़ी थोड़ी किस्त बनेगी भी अपना गुजारा भी चलाए और पूरे अपने साथ हो बहुत ये लेकर चली सरकार। महिला विकास से जी मुझे बहुत फायदा लगा, ये स्कीम मैंने बहुत अच्छी लगी, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसमें 3 लाख का मैं मुझे लोन हुआ है, ब्याज माफ है, इससे मैं अपना काम करके दुकान का कुछ भी तो मैं लोन भर सकती हूँ। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी की शांति कॉलोनी में 2 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क और 13 ट्यूबवेलों का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर कहा कि सरकार लगातार बिना किसी भेदभाव के विकास कर रही है और हमारी सरकार के राज में प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। वहीं उन्होंने इस दौरान विधानसभा में हुए हंगामे पर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि बजट की को लेकर सभी दलों से मुख्यमंत्री ने बात की और सबके सुझाव लिए, आगामी बजट जन कल्याणकारी होगा। जिस प्रकार से नियमों की अनदेखी विपक्ष ने की और जिस प्रकार से एक बिल प्रस्तुत किया उस पे जो चर्चा थी उसके दौरान उस बिल को फाड़ने का जो काम किया वो उस टाइम तक विधानसभा का एक डॉक्यूमेंट बन चुका था।
जिस प्रकार से उसको फाड़ के जो अमर्यादित व्यवहार हमारे बहुत ही सीनियर मेंबर हैं जो उन्होंने किया, उसके खिलाफ माननीय अध्यक्ष जी ने उस पर नोटिस लिया और उनको इस सेशन के लिए पूरे टाइम के लिए निलंबित करने का आदेश उन्होंने दिया। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं थी, उनके पास कोई विषय नहीं था, इस वजह से जानबूझ के उनका ये प्रयास था कि किसी तरीके से वॉकआउट कर दें। वहीं जहां माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से अगर एक शब्द निकला था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको तुरंत वापस ले लिया। उसका एक ही था आधार कि हम चाहते थे कि डिस्कशन होनी चाहिए, हम चाहते थे वो हाउस में बैठे और डिस्कशन हो, जबकि वो चाहते थे, जबकि होना उनका चाहिए था, लेकिन वो चाहते थे वो डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं था। इस धर्मांतरण में किसी भी मत और संप्रदाय के खिलाफ कोई शब्द नहीं था, उसमें केवल यही था कि जो इनोसेंट लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई दबाव से उनको उनका धर्म परिवर्तन करा दे या लालच दे के करवा दे या उनको गुमराह करके करा दे, झूठ बका के करा दे। मान लीजिए किसी को कह दे तेरी शादी करा दूंगा, किसी को कह दे तेरी बीमारी ठीक कर दूंगा, इस तरीके से लालच दे के किसी का धर्मांतरण ना हो। हाँ, अगर कोई चाहता है अपनी पूजा पत्ती बदलना चाहता है तो बदल सकता है, वो डीसी के पास दे और एक महीने के बाद वो कर सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी संख्या में वहां से बच्चे आ चुके हैं। लेकिन सरकार बड़ी गंभीरता के साथ लगी और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की जो कारगुजारी है उसकी तारीफ की। देखिए, ये विषय जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का है और प्रधानमंत्री जी बहुत ही कुशलता के साथ इसको सारे को टैकल कर रहे हैं और पूरी दुनिया ने भी इसकी तारीफ की है और हमारे जिस प्रकार से हम अपने विद्यार्थियों को वहां से निकाल के इसकी तारीफ माननीय सुप्रीम कोर्ट। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। मेरी जैसा कोई दूसरा चुलबुला पर जिसकी हर बात में खुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका, पताका चाय, गजब का स्वाद। अरे रंगो का उमंगो का, अरे रंगो का उमंगो का, जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, एआरबी बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगो का उमंगो का, अरे रंगो का उमंगो का, जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। हे मॉम, हे लुक, आई कैन डाउनलोड अ सॉन्ग रियली फास्ट, आई कैन मेक डोसास फास्टर। मस्ट बी जोकिंग। बस 3 इजी स्टेप्स, मिक्स विद वाटर, स्प्रेड बैटर, फ्राई। गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। अरे रंगो का उमंगो का, जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, रुक करेंगे खबरों का। जाखल हिसार रेलखंड के जमालपुर शेखा रेलवे स्टेशन पर
चार ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी दे दी गई है। सिरसा से लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल के प्रयासों के चलते ये मंजूरी दी गई। शनिवार को सांसद सुनीता दुग्गल और हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने कार्यक्रम में जमालपुर शेखा रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की जो भी मांग है उनको वो पूरा करवाने के लिए प्रयासरत हैं। सांसद के प्रयासों से ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी दे दी गई है। स्थानीय नागरिकों ने सांसद का धन्यवाद किया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत रादौर के गांव कांजनू पहुंचे, जहां किसानों ने उनका फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से भी राकेश टिकैत ने बातचीत की। टिकैत का कहना है कि देश की जनता बीजेपी से नाराज है और बीजेपी को इस नाराजगी की भरपाई हर हाल में करनी होगी। साथ ही आंदोलन को लेकर पूछे गए सवाल पर टिकैत ने कहा कि 2022 में पूरे देश में संगठन को मजबूत किया जाएगा और समझौतों के तहत की गई मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन का फैसला जनता करेगी। भाई सरकार एक काम नहीं करेगी तो आंदोलन तो होगा। हम तो पूरे देश में जा रहे हैं। 2022 का जो साल है ये संगठनों को मजबूत करने का है, अपनी बात का आदान प्रदान करने का है, लोग उसे मेल मिलाप का है। तो अभी तो ये काम भी है, ये काम भी करना है। और आंदोलन कब कहाँ स्थान समय क्या होगा, सरकार नहीं बातचीत होगी तो आंदोलन तो ये तो देश की जनता युवा करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत इंद्री के गांव डबकौली भी पहुंचे, जहां उन्होंने गांव के किसान फिर से आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे कहा। साथ ही उन्होंने किसानों से अपील की है कि अपने हलके की कमेटी के साथ तालमेल बैठा कर रखें। सरकार के खिलाफ बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों को नहीं माना गया तो जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे उनको नोटिस आ रहे हैं। एमएसपी के लिए बनने वाली कमेटी अभी तक नहीं बनाई गई है, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। झज्जर के प्राचीन गुरुकुल का 106वां स्थापना दिवस कार्यक्रम शनिवार से शुरू हुआ। इस दौरान मंत्र उच्चारण के साथ हवन यज्ञ किया गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुकुल के संस्थापक स्वामी ओमानंद संग्रहालय की आधारशिला रखेंगे। वर्तमान में गुरुकुल के स्वामी ने बताया कि ये गुरुकुल 106 सालों से चलाया जा रहा है, जिसमें स्वामी ओमानंद 1942 में आजादी से पहले शिक्षा दिया करते थे। गुरुकुल का उद्देश्य है कि यहाँ पर वैदिक तरीकों से शिक्षा दी जाती है और यहाँ पर राष्ट्रभक्त उभर कर सामने आते हैं, जो शिक्षा ग्रहण करके पूरे भारतवर्ष में आर्य समाज का प्रचार प्रसार करते हैं। हाँ, जहाँ यहाँ आयुर्वेदिक विधि से और जो वेदों के अंदर आयुर्वेदिक औषधियों का विज्ञान है उसके माध्यम से यहाँ आयुर्वेदिक औषधियाँ तैयार की जाती हैं, और जो किसी भी प्रकार के बहुत ऐसे बीमार हैं, असाध्य बीमारी के शिकार हैं, उनको केवल और केवल आयुर्वेद की पद्धति से ही स्वास्थ्य प्रदान किया जा सकता है। एलोपैथिक पद्धति से वो एक रोग को दबा करके कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। चलिए अगली खबर पलवल के कैलाश नगर से आ रही है, जहां दहेज में कार और नकदी नहीं मिलने से नाराज दूल्हा बिना फेरे लिए वापस चला गया।
बारात सोना से पलवल आई थी। आरोप है कि दहेज नहीं मिलने से पहले तो लड़के वालों ने लड़की वालों के साथ मारपीट की, उसके बाद बिना दुल्हन के बारात वापस लेकर चले गए। लड़की के पिता की शिकायत पर फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे पुलिस एक्शन लेगी। ये था मैम, वो लोग एंट्री हुई थी गुड़चढ़ी की, आते ही लड़के के ताऊ ने कहा है सीधा है कि ये साला क्या ब्याह करेगा, क्या देगा, क्या दहेज है, क्या कुछ नहीं, पर जितनी हमारी गुंजाइश थी हम सब कुछ उसे दे चुके थे। घुसते ही उन लोगों ने पहले ही आपस में मारपीट हुई है, पुलिस वाले उसको धमका के भी गए हैं, फिर उसके बाद में अंदर थाने पे मारपीट हुई है, फिर उसके बाद में मैम सब कुछ शांत कर दिया है, हम अपने बच्चों को अंदर ले आए हैं, उसके बाद में हम अपनी सिस्टर को उसके जयमाला के लिए लेके जा रहे थे, उन लोगों ने जैसे ही मौका देखा कि ये सारे के सारे बाहर है और लेडीज और बच्चे थे यहाँ पे, उन्होंने पीछे से आके 15-20 जनों ने एक लड़के को बुरी तरीके से मारा है। हाँ। और फिर जैसे उसे बचाया है उसी तरीके से जो उन्हें सिंगल बंदा मिला उसी को मारते चले गए हैं। शिव सिंह है कैलाश नगर पलवल में, उनकी लड़की निर्मला की शादी अमित है सोना के रहने वाले उनके साथ तय हुई थी, जिनमें कल शादी थी 4-3 की रात को, और उनका कोई डिस्प्यूट हो गया, वो कहते हैं कि हमारे से अल्टो कार और 2.5 लाख रुपये मांगे गए हैं, इस बात पर डिस्प्यूट हो गया और उन्होंने फेरे नहीं डाले, बारात को वापस ले गए, उनके साथ थोड़ी हाथापाई भी हुई है, हमारी उस पर कंप्लेंट मिली है, हमने इसमें डोरी एक्ट का पर्चा दर्ज कर दिया है, जिसकी तफ्तीश तेज भी साफ करेंगे और जो मामले में सच्चाई होगी उस हिसाब से। जुलाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर तेल के दाम बढ़ने की अफवाह के बाद से तेल भरवाने वालों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। दरअसल ये लंबी लाइनें डीजल और पेट्रोल भरवाने के लिए इसलिए लगी हैं क्योंकि आम लोगों का ये मानना है कि एक तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जैसी स्थिति और अभी भी बरकरार है, दूसरी तरफ यूपी के चुनाव नतीजे भी आने वाले हैं। अफवाह गर्म है कि तेल के भाव बढ़ सकते हैं, जिसके चलते किसान लगातार अपने ट्रैक्टर ट्रॉली और गाड़ियों में तेल भरवा रहे हैं। लोग ड्रम में भी लाखों रुपए का तेल डलवाकर स्टोर कर रहे हैं। ट्रैक्टर लाइन लाग रही है, वो हाई रेट में डल गया चक्कर में, रोज जितनी बिक्री हो रहा है उससे 3 गुना बिक्री होने लग रही है, शाम में टैंक में तेल भी नहीं बनता, इतना तेल बचा है। क्यों लेके जान लोग? क्योंकि भाई सबने अपना पीछे की हुआ है, महंगाई की मार में सब सोचते हैं, वैसे 2-3 गुना बढ़ जाइयो, 20 रुपये कम से कम लगा रहे हैं लोग, तो इसलिए मैं तो लाइन लग रही है। तो आपको भी लगता है तेल बढ़ेगा? हाँ, हमने तो पब्लिक की उससे लगता है भाई, इतना तेल ले जा रहे हैं बढ़ेगा जरूर, 7 तारीख को शाम को बता रहे। चोरी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा ही एक मामला अंबाला से सामने आया है। आपको बताते हैं अंबाला छावनी के तेली मंडी इलाके में देर रात दो चोरों ने घर के लोगों की गैर मौजूदगी में वारदात को अंजाम दिया, साथ ही चोरों ने 25,000 रुपए और कई तोला सोना लेकर फरार हो गए। पुलिस ने FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। दो तारीख को वापस आए सुबह मॉर्निंग में, 7 बजे हमारी वापसी घर पे हुई है, हम 7 बजे एग्जैक्ट घर पहुंचे थे, तो हमने देखा कि हमारे गेट के जो सीढ़ियों की तरफ हमारा जो गेट जा रहा है, मेन गेट नहीं जो 7 वाला गेट है, वो खुला पड़ा था, तो हमें फिर अंदेशा हुआ, फिर मैं ऊपर की तरफ भागा अपने कमरे की तरफ, तो मैंने वहाँ देखा कमरे में कि सारा मेरे कमरे का गेट का जो दरवाजे का ताला वो टूटा पड़ा था और दरवाजा खुला पड़ा था, और सारा सामान कपड़े वगैरह सब जमीन पर बिखरे पड़े थे, अलमारी खुली पड़ी थी, अलमारी का तोड़ रखी थी अलमारी, और उसका लॉकर भी टूटा हुआ था, और अंदर से उसमें सारा जो सामान था कैश वगैरह वो गायब था, और कागज़ वगैरह जो है बाहर बिखरे पड़े थे जो अलमारी में रखे हुए थे। मैं अम्बाला कैंट से, और हम 25 तारीख को खाटू श्याम गए थे, शाम के टाइम हम निकले थे, और 2 तारीख को हम वापस आए तो हमारे घर का ताला जो था वो टूटा हुआ था, हम ऊपर गए मेरे रूम का ताला टूटा हुआ था, फिर हमने अंदर देखा अलमारी खुली पड़ी थी, सारे कपड़े कपड़े सब बाहर निकले थे, और मेरे ज्वेलरी वाला बैग था वो पर्स था वो गायब था। 25-30 तोला चोरी हमारे जो तो गोल्ड का।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।